कांग्रेस वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। 2 करोड़ युवाओं से आपने कहा था कि साल में रोजगार देंगे, और आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। मोदी जी की सरकार आने के पहले क्यों नहीं बन पाए थे? इस देश की उन माताओं के, उन गरीब माताओं के घरों में क्यों रसोई गैस के चूल्हे नहीं जल पा रहे थे? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता इस बार हटाने जा रही है। बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों का प्रदेश की जनता को हर प्रकार से लुभाने व वर्ग लाने आदि का जबरदस्त नाटक शुरू हो गया है। अगर बीजेपी ये कह रही है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तसदुद्दीन अवैसी कह रहा है कि मेरी सरहद मजबूत तो मेरा देश मजबूत। कभी वो चिल्लाते हैं, कभी वो बयानों से आग लगाते हैं, कभी दिलों को थामकर सही मौके की घात लगाते हैं, फिर मनाते हैं और प्यार से गले भी मिल जाते हैं। ये नेता है साहब, सियासत के लिए खुद को ही भूल जाते हैं। कांग्रेस वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। 2 करोड़ युवाओं से आपने कहा था कि साल में रोजगार देंगे, और आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। मोदी जी की सरकार आने के पहले क्यों नहीं बन पाए थे? इस देश की उन माताओं के, उन गरीब माताओं के घरों में क्यों रसोई गैस के चूल्हे नहीं जल पा रहे थे? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता इस बार हटाने जा रही है। बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों का प्रदेश की जनता को हर प्रकार से लुभाने व वर्ग लाने आदि का जबरदस्त नाटक शुरू हो गया है। अगर बीजेपी ये कह रही है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तसदुद्दीन अवैसी कह रहा है कि मेरी सरहद मजबूत तो मेरा देश मजबूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज, मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। यूपी चुनाव में अब चुनावी वादों और तोहफों पर वार पलटवार हो रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया, तो फिर वहीं योगी सरकार ने नलकूपों के लिए बिजली की दर आधी कर दी है। माना जा रहा है कि यह फैसला पश्चिमी यूपी के किसानों को साधने के लिए है। इन सब हथकंडों से अगर यह कहा जाए कि प्रदेश के आगामी चुनाव में बिजली की एंट्री हो गई है, तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यानी अब आगामी विधानसभा चुनाव में बिजली लगाएगी नैया पार। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी विधानसभा चुनाव में अब एक वेपन की एंट्री हो चुकी है। हर दल इस वेपन के सहारे आम जनता को लुभाने में लगा हुआ है। ये वेपन है बिजली। अब देखना है कि यूपी विधानसभा में ये वेपन कितना कारगर साबित होता है, और माना जा रहा है कि अब बिजली की एंट्री चुनावों में हो चुकी है। यूपी चुनाव में बिजली बनी बड़ा मुद्दा। सियासी दलों ने बिजली को बनाया बड़ा हथियार। कोई देगा मुफ्त तो कोई देगा सस्ती बिजली। यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में बिजली बड़ा मुद्दा बन गई है। विपक्षी दलों की तमाम वादों के बीच योगी सरकार ने नलकूपों के लिए बिजली दर आधी करने की घोषणा कर दी है। इस फैसले को एक तीर से दो शिकार माना जा रहा है। पहला, विपक्षी दलों का दबाव कम करना, और दूसरा, किसानों की नाराजगी कम करने का प्रयास। किसानों को साधेगा नलकूप का बिजली बिल आधा। योगी सरकार ने नलकूपों के लिए बिजली की दर आधी कर दी है। माना जा रहा है कि ये फैसला पश्चिमी यूपी के किसानों को साधने के लिए है। दरअसल पंजाब में किसानों की बिजली मुफ्त है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसे लेकर मांग तेज थी। इस फैसले में विपक्ष का दबाव भी कुछ कम नहीं है। बिजली सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। पहले कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कोरोना काल का बकाया माफ और बिजली का बिल हाफ करने का वादा किया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि प्रदेश में बिजली का बिल बहुत आता है, लिहाजा इसे आधा किया जाए। बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना
ये बात अभी जोर पकड़ ही रही थी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एंट्री ली। यूपी में 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर दिया। अच्छा, दिल्ली में आजकल 24 घंटे बिजली आती है जी। जब हमारी सरकार बनी 2015 में तो 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे। अब हमने दिल्ली में सारी व्यवस्था ठीक कर दी, दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली आती है। किस किस को पता है दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है? आप में से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में किस किस को 24 घंटे बिजली चाहिए, जरा से हाथ खड़े कर दो, जिस जिस को 24 घंटे बिजली चाहिए। तो बिजली मुफ्त दिलाएगी। 5 साल में योगी जी से तो हुआ नहीं, योगी जी तो अभी भी, मैंने सुना योगी जी के पहले 4-4 घंटे के पावर कट लगते थे, अब योगी जी के टाइम पे 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं। एक बार और बीजेपी को वोट दे दो, 12-12 घंटे के पावर कट लगा करेंगे। तो अगर आपको 24 घंटे बिजली चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, और अगर पावर कट चाहिए तो जाके योगी जी को वोट दे देना। दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है और भाई साहब मुफ्त बिजली मिलती है। बिजली मुफ्त दिलाएगी, बिजली मुफ्त दिलाएगी, मुफ्त बिजली मिलती है। अपने यार दोस्त और रिश्तेदार को फोन कर लेना, यकीन नहीं होगा मेरे को, पता है आप लोगों को, आपको लगेगा केजरीवाल झूठ बोल रहा है। भाई साहब जीरो बिल आता है, जीरो बिल तो आता है, वो जीरो होता है, जीरो। उसमें कोई टैक्स नहीं, कोई सर्विस चार्ज नहीं, कोई बिजली की खपत नहीं, कुछ नहीं। ये लेके आया हूं मैं दिखाने के लिए। मेरे को, मैं कई राज्यों में जाता हूं ना, तो लोग कहते हैं केजरीवाल जी आप बोल तो रहे हो लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? ये देखो भाई साहब, ये कोई राजवीर है उसका जीरो बिजली का बिल, ये कोई गोयल साहब है उसका जीरो का बिजली का बिल, ये कोई गुलाटी साहब है, ये इतने सारे जीरो बिजली के बिल लाया हूं। जीरो बिजली के बिल आते हैं भाई साहब, 35 लाख परिवारों के दिल्ली में जीरो बिजली के बिल, 24 घंटे बिजली। अब उत्तर प्रदेश में चाहिए नहीं चाहिए बिजली? जीरो चाहिए नहीं चाहिए? हाथ खड़े कर दो सारे। चाहिए। बिजली के बिल जीरो चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? केजरीवाल। योगी तो नहीं कर सकता? जिस जिस को जीरो बिजली के बिल चाहिए हमको वोट दे देना, और जिस जिस को महंगी बिजली चाहिए योगी को वोट दे देना। ऐसे में दोबारा सत्ता पाने में जुटे सपा अध्यक्ष अखिलेश कहां रुकने वाले थे। उन्होंने 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त देने के साथ ही किसानों को फ्री बिजली का ऐलान कर दिया। ये वादे सियासी दबाव की वजह से बने हैं और सरकार ने आखिरकार किसानों के हक में फैसला ले ही लिया। किसान वैसे भी कई वजहों से नाराज बताए जा रहे हैं, इसीलिए सरकार किसानों के लिए हर संभव फैसला लेकर ही चुनाव मैदान में जाना चाहती है। ये बात अलग है कि जब बाकी विपक्षी दलों ने बिल आधा या पूरा माफ की बात कही, तब बीजेपी और सरकार के ही तमाम चेहरों ने इन वादों के पूरा न किए जा सकने की बात कही थी। अखिलेश के वादे पर योगी का सवाल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया। इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मौका देखते ही उन पर पलटवार कर दिया। अखिलेश यादव ने अपने चुनावी अभियान में मुफ्त बिजली के वादे का स्विच ऑन किया तो असर बीजेपी के खेमे में भी हुआ। रामपुर में सभा कर रहे योगी ने पलटवार का करंट अखिलेश को दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी, और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। तारीख जरूर बदली है लेकिन आने वाले समय में हमारे और आपके लिए नया वर्ष तभी होगा जब उत्तर प्रदेश में नई सरकार होगी। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता, तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां, यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, नव वर्ष की हार्दिक बधाई व शुभकामना। अब 22 में न्यू यूपी में नई रोशनी से नया साल होगा। 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री व सिंचाई बिल माफ होगा। नव वर्ष सबको अमन चैन खुशहाली दे। सपा सरकार आएगी और 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली व सिंचाई की बिजली मुफ्त दिलवाएगी। हैशटैग 22 में बाइसिकल। अखिलेश के इस वादे पर योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाते हुए कहा, कुछ देर पहले मैं पढ़ रहा था, बबुआ आज कुछ बोल रहे थे, वो सरकार आने पर मुफ्त में बिजली देने की बात कर रहे थे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त में बिजली कहां से दोगे। मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता, तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां, यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। योगी पहले घंटों तक बत्ती गुल रहने और अपनी सरकार में 24 घंटे बिजली फुल रहने का दावा चला ही रहे थे। वहीं विपक्षी दल सस्ती और मुफ्त बिजली का मुद्दा उछालकर योगी सरकार को जोर का झटका जोर से देने की तैयारी में है। यूपी में बिजली का सच जानिए। यूपी की बिजली कंपनियां 1,00,000 करोड़ के घाटे में है। सरकार पहले ही 11,000 करोड़ की सब्सिडी दे रही है। अब किसानों और आम उपभोक्ता को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वादा हो रहा है। इसके लिए सरकार को 24,000 करोड़ का इंतजाम और करना होगा, यानी कुल मिलाकर 35,000 करोड़ की सब्सिडी का इंतजाम करना होगा। बीजेपी राज में बिजली के दाम 24% बढ़े, जबकि SP राज में बिजली दर 50% बढ़े। यानी जो सरकार में आया उसने आम जनता की परवाह किए बिना बिजली के दाम बढ़ा दिए। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी से होने वाला नुकसान भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसकी भरपाई बिजली के दाम बढ़ाकर आम उपभोक्ता से की जाती है। अब जब पार्टियों को जनता के दरबार में जाना है तो सस्ती बिजली याद आ रही है। सस्ती और मुफ्त बिजली जैसे जैसे मुद्दा बनती जा रही है, वैसे वैसे बीजेपी को भी इसी तरह के वादों पर उतरना पड़ सकता है। पॉलिटिकल डेस्क, JMD न्यूज। यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जानेंगे कि बिजली के अलावा अब यूपी चुनाव में सियासी दलों का कौन बना है सहारा। बिजली पर सियासी दांवपेच खेलने के बाद अब नेताओं में ब्राह्मण कार्ड पर जंग छिड़ गई है। हाल में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना क्या की, विपक्ष ने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, लेकिन आज खुद बीजेपी ने भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण कर यह सिद्ध कर दिया कि तुम डाल डाल हम पात पात। विधानसभा चुनाव के चलते सभी राजनीतिक पार्टियों ने जाति समीकरणों को साधने के लिए बिसात बिछानी तेज कर दी है। इसी क्रम में अब भगवान परशुराम पर राजनीति तेज हो गई है। इससे पहले OBC वर्ग की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम मंदिर का अनावरण किया था। वहीं अब सत्ताधारी बीजेपी ने शुक्रवार को लखनऊ में परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया।
शुक्रवार को लखनऊ के कृष्ण नगर में भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापना समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रतिमा के अनावरण के लिए डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने हिस्सा लिया, जहां बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री जी को भगवान परशुराम का प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत सत्कार किया। बीजेपी सांसद के बेटे ने बनवाई है प्रतिमा। बीजेपी ने लखनऊ के सहसोवीर मंदिर में भगवान परशुराम की 11 फीट ऊंची प्रतिमा लगवाई है। 6 फीट ऊंची प्रतिमा को 5 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थापित किया गया है। प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पुत्र मयंक जोशी ने भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना की है। जेएमडी न्यूज से खास बात करते हुए प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में 16% ब्राह्मण है और लखनऊ में भी ब्राह्मण काफी संख्या में है, लेकिन भगवान परशुराम की एक भी मूर्ति लखनऊ में नहीं थी। इसी को ध्यान में रखकर इस मूर्ति की स्थापना की गई है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि सभी पार्टियों को भगवान के प्रति अपनी आस्था रखनी चाहिए, और अगर देखा देखी कोई भी पार्टी भगवान के प्रति अपनी आस्था चलाती है तो उसका हम स्वागत करते हैं। प्रतिमा का हो रहा है, क्या कहेंगी इस पे मैम? बड़ी प्रसन्नता की बात है, 16% ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में भी बाहुल्य एक भी प्रतिमा नहीं थी। आज मयंक जोशी मेरे पुत्र हैं, उन्होंने इस प्रतिमा को स्थापित किया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैम, समाजवादी पार्टी भी भाजपा की राह पे चल रही है, वो भी अब मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं डर, हार का डर सता रहा है? हम तो चाहते हैं कि हर पार्टी को अपनी सांस्कृतिक जो धरोहर है उसका सम्मान करना चाहिए, और अगर हमारी देखा देख वो कर रहे हैं तो उनका स्वागत। पहले टोपी लगती थी, अब उनके सपने में कृष्ण जी आ रहे हैं। वो तो शर्मनाक है, उन्होंने मजाक किया। देखिए, ईश्वर के नाम पे मजाक करना और खिलखिला के सबका हंसना आपत्तिजनक। निश्चित तौर पर साफ साफ कहना है कि आपत्तिजनक है, जिस तरह से जो भगवान परशुराम की मूर्ति के अनावरण के बाद विपक्ष ने भी जमकर बीजेपी पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी की नकल करना और उसके किए गए कामों का फीता काटना ही भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र काम रह गया है। जिन परशुराम के वंशजों के साथ योगी जी और उनकी सरकार पूरी तरीके से अब तक अपने कार्यकाल में क्रूरता और निर्ममता का व्यवहार करती रही, आज वो उनके हितैषी हो गए। वो जब हितैषी हुए, जब समाजवादी पार्टी ने परशुराम जी के वंशजों की के उत्पीड़न की आवाज़ उठाने का काम किया, उनको सम्मान देने का काम किया, उस समय योगी जी को अब समझ में आया है, जब चला चली की बेला है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव होने हैं, तब वह परशुराम जी का मंदिर बनाए या उनकी मूर्ति का अनावरण करें, अब कोई लाभ होने वाला नहीं है। आया है तो ब्राह्मण समाज की याद आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की आदित्यनाथ की सरकार में जातिवादी नीयत से सबसे ज्यादा ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ, 700 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई। रायबरेली में ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया, परिवार के परिवार जिंदा जला दिए गए। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को निशाना बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रताड़ित किया गया, हत्या की गई, मारा गया। उस समय भाजपा के नेता कहीं पर दिखाई नहीं पड़े। ब्राह्मणों के नाम पर जो कुर्सियों पर बैठे थे सरकार में, उनकी आवाज बंद हो चुकी थी, मुंह में दही जमा हुआ था, और अब जब चुनाव आया है तब वो ब्राह्मण समाज के नाम पर दिखावा कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी किया था परशुराम की प्रतिमा का अनावरण। बात करें विपक्ष की, तो रविवार को लखनऊ के गोसाईगंज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी भगवान परशुराम के मंदिर और उनके फरसे का अनावरण किया था। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान परशुराम की पूजा की और आशीर्वाद लेकर चुनावी बुगल फूंका। इस दौरान अखिलेश यादव एक हाथ में परशुराम का फरसा लिए दिखे तो दूसरे हाथ में भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र।
अखिलेश ने भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण क्या किया, घात लगाए बैठी विपक्ष ने, बिना चूके उन पर हमला बोल दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर हमला करते हुए कहा कि जो राम का ना हुआ वो परशुराम का क्या होगा। प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पुत्र मयंक जोशी ने भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना की है। जेएमडी न्यूज से खास बात करते हुए प्रयागराज के सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में 16% ब्राह्मण है और लखनऊ में भी ब्राह्मण काफी संख्या में है, लेकिन भगवान परशुराम की एक भी मूर्ति लखनऊ में नहीं थी। इसी को ध्यान में रखकर इस मूर्ति की स्थापना की गई है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि सभी पार्टियां भगवान के प्रति अपनी आस्था रखनी चाहिए, और अगर देखा देखी कोई भी पार्टी भगवान के प्रति अपनी आस्था चलाती है तो उसका हम स्वागत करते हैं। तो कुल मिलाकर अब ये मान लिया जाए कि आगामी चुनाव में रोजगार, विकास, गरीबी, स्वास्थ्य और जमीनी हकीकत से जुड़े अन्य कई मुद्दों पर सियासी दल चुनाव न लड़कर बिजली और ब्राह्मण वोट बैंक पर चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसा है तो देखना ये भी दिलचस्प होगा कि जनता का सियासी रुझान किस ओर करवट लेगा। भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण और अब भगवान परशुराम, 2022 विधानसभा चुनाव में भगवान परशुराम की भी एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें कि जिस तरह से पहले समाजवादी पार्टी ने महुरा कला गांव में भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना की थी, पूजा अर्चना की थी, खुद अखिलेश यादव गए थे, तो आज भारतीय जनता पार्टी लखनऊ में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान परशुराम की जो मूर्ति है उसका आज पूजन चल रहा है। प्रयागराज से लोकसभा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पुत्र ने इस प्रतिमा को लगवाया और इसकी स्थापना आज रीता बहुगुणा जोशी ने की है। कहीं ना कहीं 2022 विधानसभा चुनाव में जो माना जा रहा है कि ब्राह्मण जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से नाराज है उसको रिझाने का ये प्रयास है, तो ऐसे में देखना होगा कि भगवान परशुराम क्या भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं या समाजवादी पार्टी के साथ वो उनको अपना आशीर्वाद देते हैं। ये आने वाला समय बताएगा, जब 2022 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा भगवान परशुराम आखिर किस पार्टी के साथ खड़े हैं। कैमरामैन शुभम के साथ में राहुल श्रीवास्तव, जेएमडी न्यूज लखनऊ। जहां सच है वहां पर हम खड़े हैं और इसी खातिर हम सबकी आंखों में गड़े हैं। तो यह था आज का सियासी हलचल। कल फिर होगी मुलाकात, इसी जगह, इसी समय, इसी पल और साथ में होगी सियासी हलचल। नमस्कार। कांग्रेस वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। 2 करोड़ युवाओं से आपने कहा था कि साल में रोजगार देंगे, और आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। मोदी जी की सरकार आने के पहले क्यों नहीं बन पाए थे? इस देश की उन माताओं के, उन गरीब माताओं के घरों में क्यों रसोई गैस के चूल्हे नहीं जल पा रहे थे? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता इस बार हटाने जा रही है। बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों का प्रदेश की जनता को हर प्रकार से लुभाने व वर्ग लाने आदि का जबरदस्त नाटक शुरू हो गया है। अगर बीजेपी ये कह रही है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि मेरी सरहद मजबूत तो मेरा देश मजबूत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।